अजमेर शरीफ जा रहा हूँ गाइस, और फिलहाल मौजूद हूँ अंबाला के रेलवे जंक्शन पर। यहाँ पर मैंने खाना ले लिया है बाहर से और इसको ट्रेन में ही बैठकर खाऊंगा। फिलहाल हमारी ट्रेन आने वाली है, ये लीजिए गाइस, हमारी ट्रेन आ गई है। फिलहाल मैं इसी में बैठकर जाऊंगा अजमेर शरीफ। फाइनली गाइस इसमें बैठते हैं और खाना इंजॉय करते हैं इसमें बैठकर। फिलहाल ट्रेन खाली है क्योंकि यह चंडीगढ़ से ही बनकर चलती है और ये फिलहाल आ गई है अंबाला। ये देखिए गाइस, हमारे जो कंबल वगैरह यहाँ पर लेकर आ गए हैं भैया, जो हमें यहाँ पर ये देंगे, क्योंकि मैंने जो टिकट कराया है वह कराया है मैंने एसी वाले डब्बे में। इसमें आपको फ़ायदा होता है, आपको कंबल वगैरह मिल जाते हैं, चादर वगैरह मिल जाती है। तो फाइनली गाइस फिलहाल हम आ गए हैं यहाँ पर जो अजमेर जंक्शन है। मैं सो गया था ट्रेन में ही और फिलहाल आ गए हैं अजमेर जंक्शन। ये अजमेर जंक्शन है गाइस, यहीं पर आज हम घूमेंगे। यहाँ पर ये बाहर का नज़ारा है रेलवे स्टेशन के, और मैं फ़िलहाल पैदल ही चल दिया हूँ। मैं सबसे पहले जाऊँगा जो पहाड़ी है, तारागढ़ पहाड़ी है वहाँ पर। ये देखिए यहाँ से हम जो गाड़ी है यहीं से जाती है बनकर, यहीं पर हम ऊपर जाएंगे जो तारागढ़ की पहाड़ी है वहीं पर। ये देखिए गाइस फिलहाल पहाड़ी की जो चढ़ाई है यहीं से हल्की फुल्की शुरू हो जाती है। तो फाइनली गाइस हम फिलहाल आ गए हैं जो तारागढ़ की पहाड़ी है वहीं पर, जो दरगाह शरीफ है वहीं पर हम पहले ज्यारत करेंगे। यहाँ पर जो मीरान सांझी की दरगाह शरीफ है वहाँ पर ज्यारत करके फिर हम नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पर गाइस ये डेगे हैं, 60 मन की डेग, 40 मन की डेग, 80 मन की डेग है। इनके अंदर खाना बनता है, जो यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है उसी से। यहाँ पर मैं फ़िलहाल अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर चना मसाला और ये कुछ मार्केट, यहाँ पर बाज़ार लगा हुआ, और यहाँ पर हम अंदर जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या अच्छा नज़ारा है। जो मीरान सांझी की दरगाह शरीफ है उसी के बाहर का यहाँ पर ये नज़ारा है। फिलहाल हम अंदर जा रहे हैं जो सैयद हुसैन जी की दरगाह शरीफ है वहाँ पर ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल अंदर आ गए हैं गाइस, यहाँ पर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। यहीं पर मीरान साहब जी की दरगाह शरीफ है, ये मैं फ़िलहाल बाहर आ गया हूँ। जो मीरान साहब जी है उनकी दरगाह के बाहर आ गया हूँ, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था इतना ज़्यादा। ये देखिए जी, आपको जो उधर दिख रहा है ना दूर से, वह अकबर ने बनाया गाइस। ये अकबर बादशाह ने जब उनके औलाद हो गई थी जब उन्होंने यह यहाँ पर बनवाया था। ये यहाँ का बाज़ार और ये देगे जो इनके अंदर लोग पैसा डालते हैं, ये ऊपर पहाड़ी के ऊपर ही है, देख सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पर तीन देगे हैं गाइस, ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी देगे हैं जिसके अंदर खाना बनता है एक महीने के बाद। आप दूर से ज़ियारत कर सकते हैं देगों की, 60 मन की देग और उधर 80 मन की देग। यहाँ पर गाइस ये किला है अजमेर तारागढ़ का किला, जो आपको यहाँ से दिख पा रहा है। यह काफ़ी पुराना हो गया है, हजारों साल पुराना है, इसलिए इसकी हालतें वह जर्जर हो चुकी है या ध्वस्त हो चुका है। ये सभी दीवारें किले की ही है, जो आपको सामने से दिख पा रही है यह सभी दीवारें किले की हैं। और यहाँ पर यह डरावना जो दृश्य आपको दिख रहा था यह किले के अंदर का था, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पर यह बावली कुआं, इसी से पहले पानी की सुविधा होती थी। यहाँ पर ये भी है गाइस जो आपको दिख रहा है, ये स्मारक है। जैसे आप मीरान साहब जी की दरगाह शरीफ की ज्यारत करते हैं नीचे की ओर आते हैं, वहीं से पहाड़ी के जहाँ पर उड़ता हुआ पत्थर है, जब आप नीचे की ओर आते हैं आपको दिखेगा यह स्मारक। ऊपर थोड़ा खतरा मोल लेकर स्मारक पर ऊपर बच्चे हैं जो फोटो खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी दूर से मेहमान आते हैं, और यहाँ पर ये तारागढ़ की पहाड़ी
अमर सिंह लुक आता है इसका, जो आपको दिख रहा है फिलहाल। फिलहाल मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, वहाँ पर हम देखेंगे उड़ता हुआ हवा में पत्थर है, जो वहीं पर जाकर देखेंगे उसको। दो मत खींचो भाई। क्यों? गुना मिलेगी। नहाया तो है नहीं तू? फिलहाल आपको नीचे से दिख रहा होगा जी वही उड़ता हुआ पत्थर है, उसको मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ। फिलहाल मैं नीचे जा रहा हूँ। गाइस, जो आपने सुना है कि अजमेर शरीफ में तारागढ़ की पहाड़ी पर उड़ता हुआ पत्थर है, वह यही पत्थर है जो आपको सामने से दिख पा रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह किस तरीके से उड़ता हुआ दिखता है। यहाँ पर हम साइड में आ गए हैं फिलहाल। ये देखिए, यहाँ पर ये इसका जो हिस्सा है ना, वह खाली है नीचे से। अब तो जब से इसके ऊपर रोड बना है, इसको थोड़ा बहुत ढक गया है, लेकिन पहले यह ज़्यादा मात्रा में उड़ा हुआ पत्थर था। फिलहाल गाइस, हम नीचे की ओर जा रहे हैं फिर से। वहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी कुछ दिखाएंगे, इसके लिए आपको वो लोग पूरा देखना होगा। देखिए, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आपको जैरिन दिखेंगे। ये देखिए कितना डेंजर रास्ता है ना यहाँ पर। यहाँ पर आपको कुछ बंदर मंकीज भी दिख जाएंगे, जो आपको यहाँ पर जो लंगूर है ये बंदर की तरह ही दिखते हैं, यह भी आपको दिख जाएंगे यहीं पर। और गाइस, यहाँ पर अजमेर शरीफ में ये पानी वाला सिस्टम किन किन भाइयों ने देखा है, किन किन दोस्तों ने देखा है, यह भी अजमेर शरीफ में ही है बिल्कुल। क्या आपने इसको देखा है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। गाइस, जब हम तारागढ़ की पहाड़ी से नीचे की ओर आते हैं तो हमें यहाँ पर ये जिन्नाती मस्जिद दिखती है। यहाँ पर ये एक मज़ार है, यहाँ पर आपको दिख सकता है, और यहाँ पर ही एक मस्जिद है जो यहीं पर है, जो जिन्नाती मस्जिद के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ये गधा, और यहाँ पर गाइस जो आपने सुना है कि मीठे नीम की दरगाह, वह यही है जो आपको यहाँ पर सामने से दिख पा रही है। फिलहाल हम नीचे की ओर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, जो अजमेर की गलियाँ हैं यहाँ पर आपको चारों ओर भीड़ भीड़ दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरे ही देश से जायरीन आते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जी बिल्कुल। यहाँ पर गाइज हम फिलहाल जा रहे हैं, जो आपने सुना है ना अढ़ाई दिन का झोपड़ा, वह यही है जहाँ पर हम फिलहाल जा रहे हैं। आपको मैं ऊपर जाकर दिखाता हूँ इसको। ये देखिए फाइनली गाइज, जो आपको सामने से दिख पा रहा है वही अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। ऐसा माना जाता है इसको ढाई दिन में बना दिया गया था, और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर ढाई दिन का मेला भरता है, इसलिए इसको ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसमें आपका क्या राय है आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ये देख सकते हैं आप, पीपल क्राउड तो देखिए ना कितना ज़्यादा है जी बिल्कुल। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बंदे आते हैं, फ़ोटो अपने खिंचवाते हैं। यहीं की लोकेशन काफ़ी अच्छी आती है फ़ोटो खिंचवाने में। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से जो जायरीन आते हैं घूमने के लिए, वह यहाँ पर आकर फ़ोटोज खिंचवाते हैं। यह है जी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो आपने किताबों में पढ़ा है। यह ढाई दिन के झोपड़े गाइस अंदर का नज़ारा है। देखिए इसके अंदर जो पिलर खड़े हैं ना, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और काफ़ी सॉलिड मजबूत भी हैं।
गाइज फिर से मैं आ गया हूँ जो अजमेर शरीफ की गलियाँ हैं वहाँ पर। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है ना, यहाँ पर से निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखिए बहुत तगड़ी भीड़ है जी, बहुत ज़्यादा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दरगाह शरीफ, मजार शरीफ अंदर तो नहीं जाऊँगा लेकिन आपको बाहर से दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर ये गेट है जो मेन गेट है, जो बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है, यही वह अजमेर गेट है गाइस। यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अंदर हम वीडियो नहीं बना सके, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना मना थी, बिल्कुल भी नहीं बना सके वहाँ पर वीडियो हम। और यहाँ पर ये अजमेर की गलियों की भीड़ है, काफ़ी सुंदर दिखती है। अगर आप यहाँ पर आए होंगे तो आप इससे पूरी तरह वाकिफ़ होंगे। तो पहले गाइस मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपको अजमेर शरीफ से दिखाया, सॉरी फॉर दैट, अंबाला से लेकर अजमेर शरीफ तक दिखाया। शायद आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों पर शेयर करें। इसे अपने तक ही सीमित न रखें। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट प्रकार के वालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।